हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एज वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द न्यू चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, दिस इज योर न्यू चैप्टर, जो कि हम पहले ही स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में कुछ टॉपिक्स भी हम लोगों ने किया था। ठीक है, अब उसी चैप्टर में आगे हम लोग करेंगे। ठीक है, जो कि जो टॉपिक था आपका क्या कि बेसिक प्रैक्टिसेज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यही टॉपिक हम लोग का चल रहा था, बेसिक प्रैक्टिसेज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, बेसिक प्रैक्टिसेज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन, यही आपका टॉपिक चल रहा था। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ जो अलग अलग जो प्रैक्टिसेज था, अलग अलग जो प्रोसेस था, इसमें प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, सिलेक्शन ऑन सोइंग ऑफ सीड्स, इरिगेशन, वीडिंग, क्रॉप प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज, ये कुछ प्रैक्टिसेज थे। तो ये कुछ प्रैक्टिसेज में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ सॉयल कर रहे थे। प्रिपरेशन ऑफ सॉयल में भी कि सॉयल को कैसे प्रिपेयर किया था, सबसे पहला प्रैक्टिसेज था प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, ये हम लोग कर रहे थे। प्रिपरेशन ऑफ सॉयल में भी हम लोग प्लाविंग सबसे पहला, इसमें भी पार्ट है, सब कैटेगराइज है, इसमें भी पार्ट है। पहला पार्ट था इसमें प्लाविंग, PLOUGHING, प्लाविंग, प्लाविंग किए थे। ठीक है, इसके बाद प्लाविंग के बाद लेवलिंग, लेवलिंग भी एक था, लेवलिंग किए थे हम लोग। ठीक है, अब एक थर्ड पॉइंट हमको इसमें आएगा। ठीक है, कि इसमें एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ये अभी हम लोग ये करेंगे इसमें प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में ही। यानी इससे क्या पता चल रहा है कि मैन्योर और फर्टिलाइजर ये दोनों क्या हैं, ये आपका खाद ही है, खाद इसको बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, खाद बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि ये आपको मैन्योर एंड फर्टिलाइजर में हम लोग जो फसल हम लोग जब लगाते हैं, तो फसल लगाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसमें खाद वगैरह देते हैं। ये तो जरूरी नहीं है कि फसल लगाने के बाद ही आप दीजिएगा, उसको आप जब सॉइल को प्रिपेयर कर रहे हो, जब प्लाउइंग कर देते हो, जुताई जिसको बोलते हैं मशीन के द्वारा या हल के द्वारा, जो बैल का इस्तेमाल करके, ऑक्स वगैरह या कोई जानवर का, उसमें हम लोग खाद वगैरह इस्तेमाल करते हैं। बस फर्क क्या है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर में, मैन्योर जो है ये आपका नेचुरली तैयार किया जाता है और ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से तैयार होता है, ये ध्यान रखिएगा। दैट मीन्स जो आसानी से डिकम्पोज हो जाए, सड़ गल जाए, समझ रहे हैं, जैसे डेड प्लांट एंड लिप्स जो है, लिप्स के जो ये पत्ते वगैरह होते हैं वो सब, ठीक है, बार्क, या जो काउडंग होते हैं, जो एनिमल्स का डंग होता है उसको सड़ा कर, ठीक है, और वो मैन्योर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और फर्टिलाइजर में क्या फ़र्क है कि फर्टिलाइजर जो तैयार किया जाता है वो इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में तैयार किया जाता है, और वो इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज में केमिकल का इस्तेमाल करके, एक सर्टेन केमिकल के माध्यम से ये फर्टिलाइजर तैयार होता है। लेकिन ये क्या है, ये हार्मफुल है, हमारे लिए हार्मफुल है, लेकिन ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। ये आपका जितना भी आप इस्तेमाल करेंगे फसल में, कोई इसका हानि नहीं होगा फसल को या हमारे हेल्थ को भी, लेकिन इसका असर होगा, इसका हानि पहुंचेगा हमारे हेल्थ में, ठीक है, इनडायरेक्टली हो या डायरेक्टली हो। तो यही चीज़ अभी हम लोग को करना है, फटाफट कर लेते हैं। सबसे पहले एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ठीक है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ओके। तो एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर में क्या करना है, सबसे पहले ये हम लोग जानेंगे कि ये मैन्योर और फर्टिलाइजर किसे कहते हैं, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर किसे कहते हैं, द सब्सटेंस या द मटेरियल्स, ठीक है, विच आर एडेड टू सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ठीक है। अगर इसको लिखना हो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर किसे कहेंगे, ठीक है, इसको तो द सब्सटेंस, ठीक है, द सब्सटेंस विच आर एडेड टू सॉइल, विच आर एडेड
टू द सॉइल, ठीक है। और किस लिए ऐड करते हैं? टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स के रूप में, ठीक है। पौधे को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, किस लिए भाई? तो फॉर हेल्दी, एच ए एल टी एच वाई, हेल्दी ग्रोथ ऑफ क्या? ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ठीक है, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड मैन्योर या फर्टिलाइजर, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ठीक है। यही है मैन्योर और फर्टिलाइजर का, अगर कोई पूछे तो आप बता सकते हैं। अब मैन्योर क्या है ये कर लेते हैं, अब मैन्योर क्या है ये देख लेते हैं। मैन्योर, इसमें मैन्योर क्या है? मैन्योर, ठीक है, मैन्योर देख लेते हैं। इट इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट वेस्ट। ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इट इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट इज ऑब्टेन्ड, ठीक है, दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डीकम्पोजिशन, ठीक है, ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट एंड एनिमल्स वेस्ट, ठीक है, प्लांट एंड एनिमल्स वेस्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। अब आगे, इट कैन ऑफ टू टाइप, मैन्योर होता है दो प्रकार का, मैन्योर इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है, मैन्योर जो होगा ये दो प्रकार का होगा, मैन्योर इज ऑफ टू टाइप्स, कौन कौन सा? एक कंपोस्ट और एक फार्म यार्ड मैन्योर। पहला होता है कंपोस्ट, ध्यान रखना है कंपोस्ट, और दूसरा फार्म यार्ड मैन्योर, फार्म यार्ड मैन्योर, ठीक है, ये दो तरह का मैन्योर होता है। अब कंपोस्ट क्या है ये हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये डेड प्लांट एंड एनिमल्स मैटर इज नोन एज कंपोस्ट। मैन्योर कहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है, अभी जस्ट बताया है, ठीक है, कि इट इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स वेस्ट, ठीक है। तो कंपोस्ट मैन्योर दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल्स मैटर, ठीक है। इसमें कैसे तैयार होता है बताते हैं, देख लेते हैं। पहला कंपोस्ट, मैन्योर में पहला कंपोस्ट करते हैं, ठीक है। कंपोस्ट मैन्योर ही है और फार्मयार्ड भी मैन्योर है, तो इसको कैसे लिखेंगे? द मैन्योर विच आर ऑब्टेंड, द मैन्योर विच आर ऑब्टेंड फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ from the decomposition of the dead plant and animals matter, ठीक है। मैन्योर विच आर ऑब्टेंड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल्स मैटर इज कॉल्ड कंपोस्ट, ठीक है, इसको कंपोस्ट बोलेंगे, ओके। नेक्स्ट, ये कैसे तैयार किया जाता है, ये कैसे इसको हम लोग बनाते हैं? तो एक क्या किया जाता है, एक गड्ढा, एक जो जगह जो होता है आपका कहीं भी एक स्पेस, वहां पर एक पिट्स तैयार कर लिया जाता है, गड्ढा इस तरह से एक पिट्स तैयार कर लिया जाता है,
समझ में आ रहा है, इसको पिट्स बोलेंगे, पिट्स मतलब गड्ढा। और इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें जो भी हो डेड प्लांट्स हो, जो भी जो पौधे सूख गए हैं, जो मुरझा गए हैं, जो खराब हो गए हैं, जो पौधे जो अब वर्क नहीं कर रहे हैं, उसके पौधे का जो भी रिमेन्स है वो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग ऐड डाल देते हैं इस पिट्स में। और एनिमल्स का भी जो काउडंग हो गया, ठीक है, एनिमल्स डंग हो गया, इसमें सब मिला देते हैं, ठीक है, मिक्सचर ऑफ, ठीक है, एडिंग एडिंग प्लांट्स डेड प्लांट्स मैटर एंड एनिमल्स मैटर, एडिंग डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स मैटर एंड एनिमल्स मैटर, इसमें हम लोग क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद इसमें डिकम्पोजर्स भी हम लोग ऐड कर देते हैं, डिकम्पोजर्स क्या ऐड कर देते हैं, डिकम्पोजर्स या माइक्रोब्स आप बोल सकते हो, माइक्रोब्स भी इसमें ऐड करते हैं। वही डिकम्पोजर्स और माइक्रोब्स जो हैं ये क्या करते हैं, जो भी डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स मैटर है उसको डिकम्पोज कर देता है, क्या कर देता है, डिकम्पोज कर देता है, उसको सड़ा देता है उसको, और सड़ा कर और गला कर उसको कन्वर्ट कर और ये क्या तैयार करता है, कंपोस्ट, क्या तैयार करता है, कंपोस्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब अगला है फार्म यार्ड मैन्योर, इसके बाद है फार्म यार्ड मैन्योर, ये भी देख लेते हैं फार्म यार्ड मैन्योर क्या है। नाम से पता चल रहा है फार्म, फार्म मतलब जो आपका जगह है खेती करने वाला, या जो आपका जो जगह है जहां पर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, जो बागवान बागवानी जहां करते हैं, फार्म यार्ड। सेकेंड है फार्म यार्ड, फार्म यार्ड, ठीक है, मैन्योर, फार्म यार्ड मैन्योर, ये अभी देखना है हम लोग को फार्म यार्ड मैन्योर, ठीक है। फार्म यार्ड मैन्योर में ये कैसे होगा, फार्म यार्ड मैन्योर कॉमनली यूज मैन्योर इन इंडिया, ये सबसे ज़्यादा हमारे देश में इस्तेमाल होता है फार्म यार्ड मैन्योर, ये भी कंपोस्ट की तरह ही लगभग है, समझ में आ रहा है, बस फर्क क्या है कि ये फार्म यार्ड वेस्ट से हम लोग क्या करते हैं, इसको तैयार करते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड या ऑब्टेंड, एक ही चीज़ है, इट इज प्रिपेयर्ड या ऑब्टेंड, प्रिपेयर्ड फ्रॉम द, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फार्म यार्ड वेस्ट। अब फार्म यार्ड में क्या होता है, जहाँ फार्म करते, जहाँ आप खेती करते हैं, जहाँ आप मतलब कि फसल का खेती वगैरह करते हो, या जो पेड़ पौधे का जो भी आप देख रेख करते हैं लगाए हुए हैं वहाँ पर, ठीक है, वो जहाँ से वेस्ट भी निकलेगा, डेड प्लांट्स के जो पौधे हैं, पत्तियाँ हैं, पौधे से पत्तियाँ गिरते हैं, उनके जो छाल हैं, छाल मतलब बार्क, बार्क बोलते हैं उसको, ठीक है, वो सब, फिर वहाँ पर जो भी और भी जो एनिमल्स आप रखे हुए हैं अपने फार्म यार्ड में, ठीक है, उनके जो डंग वगैरह हैं, डंग मतलब गोबर होता है, ठीक है, जो वेस्ट होता है सॉलिड वेस्ट, वो सबको क्या करते हैं, इकट्ठा कर लिया जाता है फार्म यार्ड में ही, ठीक है। यहाँ पर वही चीज़ है, सच एज कैटल डंग, यूरिन, क्रॉप वेस्ट, ये सब, सच एज इट इज प्रिपेयर फ्रॉम द फार्म यार्ड वेस्ट, सच एज कैटल डंग, कैटल मतलब जो आप मवेशी रखे हुए हैं, गाय, ठीक है, बैल, जो बुफैलो भैंस, ये सब, कैटल डंग, यूरिन, ठीक है, यूरिन, और क्या बोलिए, इसके बाद क्रॉप वेस्ट, क्रॉप वेस्ट जो फसल होता है, क्रॉप वेस्ट, ईटीसी, इन सबों को मिलाकर, इन सबों का इस्तेमाल करके हम लोग एक फार्म यार्ड मैन्योर तैयार करते हैं। समझ में आया, ये फार्म यार्ड वेस्ट है, ये सब, ये ध्यान रखना है। ये सब कैसे तैयार किया जाता है, इन सबों को मिक्स कर दिया जाता है और इसको सन में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन सबों को ड्राई कर दिया जाता है, सुखा दिया जाता है। हाउ दिस इज प्रिपेयर्ड, इट इज प्रिपेयर्ड, फर्दर प्रिपेयर्ड, फर्स्ट दिज ऑल फार्म यार्ड वेस्ट, दिज ऑल फार्म यार्ड वेस्ट, ठीक है, फर्स्ट ड्राइड इन टू द सन, उसको सन के प्रेजेंस में यानी सनलाइट के प्रेजेंस में ड्राई कर देते हैं, और फिर ये मैन्योर जो है, जो ऑप्टेंड होता है, इसको डायरेक्टली हम लोग फार्म यार्ड मैन्योर के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। जब सुखा देते हैं तो ये सूख जाता है, और सूखने के बाद, ठीक है, इसको फार्म यार्ड मैन्योर के रूप में हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। ये आपका एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब आगे फर्टिलाइजर, आगे है फर्टिलाइजर, ये तो फार्म यार्ड मैन्योर और कंपोस्ट हो गया, अब फर्टिलाइजर क्या होता है,
फर्टिलाइजर, मैन्योर से ही जस्ट उल्टा, वो हम लोग नेचुरली तैयार कर रहे थे, ठीक है, बट ये जो है ये फैक्ट्री इंडस्ट्रीज में तैयार होगा। कहाँ तैयार होता है? फैक्ट्री इंडस्ट्री में केमिकल का, कुछ सर्टेन केमिकल का इस्तेमाल करके। तो यही चीज़ है, ये इनऑर्गेनिक केमिकल, वो ऑर्गेनिक केमिकल्स था, ये इनऑर्गेनिक, ठीक है। द इनऑर्गेनिक केमिकल्स, इनऑर्गेनिक केमिकल्स विच इज यूज, द इनऑर्गेनिक केमिकल्स विच इज यूज टू प्रिपेयर द फर्टिलाइजर्स इन द फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज, ठीक है। द इनऑर्गेनिक केमिकल विच इज यूज, ठीक है, टू प्रिपेयर द फर्टिलाइजर्स इन फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज, ये इनऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं, समझ में आ रहा ना। और ये कुछ पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स ही इनसे मिलता है जिस चीज के लिए, जैसे एग्जांपल्स में डैप, डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है, डाई मतलब दो, अमोनियम फॉस्फेट। तो इससे क्या मिला केवल इसका नाम से, कि ये जो ये आपका फर्टिलाइजर है ये केवल आपको अमोनियम और फॉस्फेट ही केवल प्रदान करेगा। एक और नाम लेते हैं फर्टिलाइजर का, एनपीके, नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, के इज द सिंबल ऑफ पोटेशियम। तो ये इससे क्या केवल मिलेगा, ये फर्टिलाइजर से केवल नाइट्रोजन ही मिलेगा, फॉस्फोरस ही मिलेगा और पोटेशियम ही मिलेगा। यानी खास ये फर्टिलाइजर में यही एक खासियत है, या जो बोले खासियत बोलिए, एडवांटेज बोलिए, डिसएडवांटेज बोलिए, कि वो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट ही प्रोवाइड करेगा। इट ओनली प्रोवाइड स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप्स या प्लांट्स, जो भी आप बोल सकते हो, क्रॉप्स पढ़ें, क्रॉप्स ही लिखते, क्रॉप्स, ठीक है। ये चीजें, ये फर्टिलाइजर का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे, इसके बाद कुछ सम कॉमन फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है। अगर इसको ज्यादा इस्तेमाल भी करेंगे ना मैन्योर के कंपेयर में, हम शुरू में ही बताए थे जब मैन्योर फर्टिलाइजर जब लिखे थे, कि मैन्योर का कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, उसका कोई हार्मफुल इफेक्ट मतलब उसका कोई प्रभाव नहीं है फसल पर या मिट्टी पर। लेकिन इसका अगर ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा एक्सेसिव, व्हेन वी आर यूज एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स, देन इट मेक्स द सॉइल लेस फर्टाइल। सॉइल को क्या कर देगा ये, जो फर्टिलिटी है यानी उसकी जो उर्वरकता है, यानी जो फसल जो अच्छे होने का और खराब होने का जो एक कंडीशन है, वो उसमें ये मिट्टी को अगर लगातार अगर फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें ज्यादा मात्रा में, तो क्या होगा, वो मिट्टी को लेस फर्टाइल कर देगा, मिट्टी कम प्रोडक्टिविटी कम करेगा, एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, एक्सेसिव इस्तेमाल करना भी बेकार है, नहीं करना चाहिए ज़्यादा फर्टिलाइजर, लेकिन वही हो रहे हैं आज के डेट में, क्योंकि जितना भी आपका फसल हो रहा है, सब्जी हो, फ्रूट्स हो, या फिर फसल हो, सब फर्टिलाइजर के बिना तो कुछ नहीं हो रहा है, सब खाद का इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट, अब आगे इसी में कुछ कॉमन फर्टिलाइजर्स हैं, उसको देख लेते हैं, सम कॉमन फर्टिलाइजर्स, कुछ कॉमन फर्टिलाइजर्स के नाम, सम कॉमन फर्टिलाइजर्स आर एनपीके, यूरिया, डैप, ठीक है, ईटीसी। अभी जस्ट बताए हैं डैप और ये एनपीके, यूरिया, ये सब, ठीक है, ये ध्यान रखना है। कैन भी लिख सकते हैं, कैन, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एडवांटेज यूजिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, शुरू में ही बताया था, वही एडवांटेज है मैन्योर और फर्टिलाइजर का, एक बार बता देते हैं लिखित रूप में,
एडवांटेज ऑफ यूजिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, एडवांटेज ऑफ यूजिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ठीक है, क्या क्या है एडवांटेज ये देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक आएगा सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स, ठीक है। तो सबसे पहले एडवांटेज देख लेते हैं, मैन्योर इनहांस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मैन्योर इनहांस, इनहांस मतलब बढ़ा देना, इनहांस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन द सॉइल, सॉइल में ना वाटर होल्डिंग कहाँ, मिट्टी पानी, मिट्टी में ना पानी देते हैं, तो मैन्योर ऐड करने से उसका क्वालिटी ये इन्हांस हो जाता है। मैन्योर मेक्स सॉइल पोरस एंड इजी फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस, मैन्योर, ठीक है, ये क्या करता है सॉइल को लूज कर देता है, पोरस बना देता है। मैन्योर मेक्स द सॉइल, मेक्स द सॉइल पोरस, ठीक है, एंड इट लीड्स टू एक्सचेंज ऑफ गैस, इट लीड्स टू एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यानी उसके अंदर मिट्टी के अंदर गैस वगैरह का एक्सचेंज होने लगेगा। तीसरा क्या हो सकता है एडवांटेज, तीसरा मैन्योर मेक्स सॉइल रिच इन ह्यूमस एंड इंक्रीज नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, मैन्योर, ठीक है, मेक्स द सॉइल, ठीक है, फिट फॉर, ठीक है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, मैन्योर आर, मैन्योर मेक्स द सॉइल रिच इन ह्यूमस, मेक्स द सॉइल रिच इन ह्यूमस, रिच WHICH, रिच इज रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन सॉइल फ्रेंडली माइक्रोब्स, सॉइल फ्रेंडली, सॉइल फ्रेंडली माइक्रोब्स, ठीक है, माइक्रोब्स मतलब वाइटीड में तो अर्थवर्म वगैरह, ये मैन्योर ऐड करें तो सॉइल को बना देता है। नेक्स्ट आगे है लास्ट, मैन्योर इंप्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, मैन्योर क्या करता है, मैन्योर आपका एक और पॉइंट है, मैन्योर इंप्रूव द सॉइल टेक्सचर, चौथा पॉइंट, मैन्योर इंप्रूव द, इंप्रूव द सॉइल टेक्सचर, इतना ही लिखिए, ठीक है, ये चार पॉइंट था, ठीक है, फिर से दोहरा देता हूं, चार पॉइंट क्या क्या था, मैन्योर इनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, सॉइल के वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इनहांस कर देता है मैन्योर ऐड करने पर सॉइल में। नेक्स्ट, मैन्योर मेक सॉइल पोरस, पोरस मतलब छोटे छोटे छिद्र होते हैं, यानी एयर स्पेस ज्यादा हो जाता है सॉइल में, और इसके बाद जब मैन्योर ऐड करते हैं और उसमें जब पानी आप दीजिएगा तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है, और एक्सचेंज ऑफ गैसेज भी ऑकरिंग होने लगता है, यानी होने लगता है उसके अंदर, ठीक है, जब स्पेस हो जाएगा सॉइल में मैन्योर के कारण। नेक्स्ट है मैन्योर मेक सॉइल रिच इन ह्यूमस, मैन्योर जब ऐड करेंगे तो उसमें ह्यूमस का मात्रा बढ़ जाता है, और ह्यूमस जब बढ़ जाएगा तो उसके कारण उसमें सॉइल माइक्रोब्स भी क्या होने लगेंगे, उत्पन्न होने लगेंगे, जैसे अर्थवर्म वगैरह, रेडवर्म वगैरह, ये सब जो कि बहुत ही फ्रेंडली होता है, ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग फार्मर्स फ्रेंड भी बोलते हैं, जो अर्थवर्म होता है या जो भी हो। नेक्स्ट आगे, मैन्योर इंप्रूव सॉइल टेक्सचर, सॉइल टेक्सचर को भी क्या करता है, ये बनाता है, इंप्रूव करता है, यानी बढ़ा देता है, ये आपका एडवांटेज ऑफ यूजिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स है, ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू। अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे, ठीक है, अगला टॉपिक इसी में है, जो कि हम लोग जो बेसिक प्रैक्टिसेज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन है उसमें अगला टॉपिक है सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स, सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स है, उसके बाद उसी में हम लोग करेंगे इरिगेशन, ठीक है, ये सब करेंगे, ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।